जय भारत। जय राम भा। भैया का हाल यह है? भैया सब समाचार ठीक है। भैया हाँ, ये जिला बनारस है? हाँ जिला बनारस। गाँव रामनगर है? हाँ भैया। यहाँ के माने जाने जमींदार साहब? जी भैया। बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी आने वाले हैं? जी भैया। अब दोनों भाई ड्यूटी पे तैनात हो जाइए भैया, क्योंकि ड्यूटी ड्यूटी होती है। आइए भैया। हवेली में रहती है
जी बाबू। उसके बाद उसका पति आता है, उसे उठा ले जाता है। जी मालिक, ये बात सत्य है। इसलिए मेरा प्रतिदिन का यही धंधा है और हम तुमको यह अवगत कराना चाहते हैं कि चारों तरफ घूमते टहलते रहो और अगर किसी दुल्हन का डोला जाए तो मुझे खबर करना, हम उस दुल्हन को अपनी हवेली पर बुलाएंगे। अगर नहीं आती है जबरदस्ती मेरी कारिंदे उसे घसीट करके लाएंगे, उसके साथ रात भर ऐसो आराम करेंगे। उसके बाद सुबह जूतों का नजराना देखकर गेट से बाहर कर देंगे। लेकिन बाबू साहब, गांव की जो अच्छी खबर होती है, जो मेन खबर होती है, आपके बड़े नौकर ही बता सकते हैं। हम दोनों भाई क्या बताएंगे सरकार? संतोष चश्मा तर सले, मेरा नौकर रिया की तरफ गया होगा जी, क्योंकि मैंने उसे आदेश दिया है कि मैं रिया क्या का पालन करेगा। और तुम लोग भी होशियार रहना, गुस्ताखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे निगाह में पहली गलती माफ, दूसरी गलती साल के खिलाफ, तीसरी गलती करने की कोशिश नहीं करना। ओके, मैं अपने नौकर का इंतजार करता हूं। अगर मेरा नौकर आए तो हम उससे पूछेंगे कि रियाई का समाचार क्या है। बाबू, अगर इजाजत हो तो फोन नंबर मिला दी, जहां हमें पता लग जाए। ठीक है, अगर ये नंबर जानते हो तो फोन कर सकते हो। नंबर हमको पता है, याद है, मुझे जबानी भैया। भैया मोबाइल ला, हमारे कहीं बैलेंस खत्म हो गया है यार। पूरा आराम से लगाया। नंबर 99 का 99 सर 99 सही से बताओ, नहीं अंत लग जाए। अच्छा 99 छेदो 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 ज्यादा बहुरा बात मारो जाबे छेदो छेदो का छा दो छा दो 61 सही नंबर फोन लगाओ। हेलो पकड़े है, नेटवर्क में आओ, आवाज साफ नहीं आ रही। हेलो हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन है? मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं कौन है बे? मैं संतोष बोल रहा हूँ। अच्छा संतोष बाबे, जय राम बे, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो तत्काल फोन किया गया बे? कहाँ है बे? अरे इस वक्त मैं रोटी खा रहा हूँ। रोटी खाता है? हाँ रोटी कौरा, रोटी कुकुर दे दिया, रोटी कुकुर दे दिया। क्यों ये पगला जी, इन बाबू बहुत नाराज हैं। क्या कहा? आपका जमींदार साहब। जमींदार साहब नाराज है? रोटी कुत्ते के डाल को आप तुरंत आ जाओ। ठीक है, जमींदार से बोल दो कि मैं चंद मिनटों में उनके पास हाजिर हो रहा हूँ। बाय बाय बाबू। आ रहे